हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दिस इज योर फ्रेंड तारिक आरिश एंड यू वाचिंग हेल्पिंग बाइकर व्लॉग्स। और दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ अपने क्लिनिक पे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम कौन सी बाइक पे फाइनली जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक ओपिनियन पोल डाला था, कम्युनिटी टैब डाली थी मैंने, जिसमें आप सभी ने वोट किया है और काफ़ी सारे लोगों ने इसमें वोट किया है। तो मैं आपको, अब डिसाइड हो चुका है कि मैं कौन सी बाइक पे जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ उस स्क्रीन पे, उस जगह जहाँ पे मैंने वोट मांगे थे, आज आपने वोट दिए, और फिर मैं दिखाता हूँ कि कितने लोगों ने क्या वोट दिए हैं। तो दोस्तों ये है वो स्क्रीन, मैं अपनी कम्युनिटी टैब खोल लेता हूँ यूट्यूब पे, और ये देखिए ये मेरा चैनल, माई चैनल, और अब जाते हैं हम कम्युनिटी टैब पे। ठीक है, तो ये रहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं पोस्ट डाली थी कि दोस्तों मुझे ये सजेस्ट करें कि मैं अपनी आने वाली विंटर स्पीड राइड कौन सी बाइक पे करूँ, प्लीज़ वोट ज़रूर करना। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 89% लोगों ने पल्सर पे मुझे वोट किया है और बाकी के 11% ने मुझे किया है कि आरई हिमालयन पे मैं जाऊँ। तो आपका सजेशन, आपकी मर्ज़ी सर आँखों पे, और इसीलिए मैं जा रहा हूँ पल्सर पे। हालांकि मैं नहीं चाहता कि जो आरी हिमालयन वाले हैं उनका दिल दुखे, उनके लिए भी मैं राइड करूँगा, और हो सकता है नेक्स्ट जो मेरी लॉन्ग राइड होने वाली है वो आरी हिमालयन पे हो। तो इसके लिए बस आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई मेहनत होगी, काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि पल्सर एक लो पावर बाइक है, कम पावर की बाइक है, 125 cc, तो उस पर मुझे थोड़ी दिक्कत तो आनी है, परेशानी तो आनी ही है। लेकिन देखो जहाँ परेशानी नहीं वहाँ एडवेंचर किस नाम का, तो इसलिए एडवेंचर करेंगे, मज़े करेंगे और इसी पे ही जाएंगे, पल्सर पे ही जाएंगे, तो डिसाइडेड है। तो अभी एक दो बातें और कहूँगा मैं आपसे, वो भी आप वीडियो पूरी देखें। तो दोस्तों आपने देखा कि आपके वोटों के अकॉर्डिंग ही मैंने डिसाइड किया है कि मैं स्पीति राइड कर रहा हूँ पल्सर 125 पे। तो इससे रिगार्डिंग मुझे आपसे बहुत बड़ी सपोर्ट चाहिए दोस्तों। मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ आपके लिए और व्लॉग बनाता हूँ, पैसे भी खर्च करता हूँ, टाइम भी जाता है। अब देखो मैं क्लिनिक छोड़ के जाऊँगा अब 10 दिन के लिए, यहाँ पर भी किसी को मैं किसी फ्रेंड को बिठाऊँगा और पता नहीं somehow मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो इसके लिए यार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़रूर देखना, चाहे प्ले करके मोबाइल एक साइड रख देना, लेकिन वीडियो को देखना जरूर है सबको। और इसके अलावा इंटरेस्टिंग रहेगी, ऐसा नहीं है कि मतलब बेकार वीडियो होंगी, अच्छी वीडियो होंगी, क्योंकि ये राइड बहुत स्पेशल राइड है, बहुत मजा आने वाला है इस राइड में। और बर्फ है बहुत ज्यादा राइड में और रास्ते बहुत खतरनाक है, गिरने का सीन है, काफी ज्यादा बन सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो सुबह को क्या होता है ना, जब हम सुबह सुबह चलते हैं तो सड़क के ऊपर जो बारीक बारीक पानी की लेयर होती है वो जम जाती है, वो चिकना हो जाता है। आपने देखा ना बर्फ की सीली पे आप हाथ रखोगे तो स्लिप हो जाता है, तो उस पर टायर की ग्रिप नहीं बन पाती और गिरने के बहुत बहुत चांस रहते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हमें राइड करना होता है, तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। तो इस राइड को जरूर देखना, पूरी सीरीज दिखाऊंगा आपको और वहां के खूबसूरत नजारे भी दिखाऊंगा, और पॉसिबल हुआ तो ड्रोन शॉट भी लेके दिखाऊंगा और उनसे लूंगा। उसका जो ड्रोन है वो यूज करके मैं कोशिश करूंगा कि अगर फ्री हुआ तो मैं उसके ड्रोन से कुछ फोटेज आपको दिखाऊं। वेल, आपके सपोर्ट चाहिए, आपकी प्यार मोहब्बत की जरूरत हमेशा रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अब प्रिपरेशन हो चुकी है और बाइक में कुछ मॉडिफिकेशन कराया, कल मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा, और 25 तारीख से पहले पहले या 25 तारीख तक निकल रहा हूँ, बिल्कुल डन है। तो देखते हैं क्या होता है और सारी प्रिपरेशन की वीडियो दिखाऊंगा आपको, और राइड प्लान कैसे करें इसकी वीडियो भी मैं आपको पहले ही दिखाऊंगा जाने से पहले। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ जल्दी आपके पास, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, थैंक यू, लव यू, जय हिंद।